नमस्कार, मेरा नाम है ख्याति और आप देख रहे हैं वी क्लिक। तेजस इंडियन नेवी का वो विमान जिसे 11 जनवरी 2020 को इंडियन नेवी में जोड़ लिया गया है। वैसे तो तेजस नाम का एक विमान इंडियन एयरफोर्स मतलब भारतीय वायुसेना में भी है, पर इस बार इंडियन नेवी मतलब भारतीय नौसेना के लिए भी इसे डिजाइन किया गया है। 11 जनवरी 2020 को तेजस को इंडियन नेवी के युद्धपोत मतलब वॉरशिप पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। दूसरे फाइटर प्लेन्स मतलब लड़ाकू विमानों की अगर हम बात करें तो उन्हें उड़ान भरने के लिए काफी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, पर अगर हम इसकी बात करें तो ये केवल 200 मीटर की दूरी में ही उड़ान भर लेता है। इसी खासियत की वजह से इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। युद्धपोत एक प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब विमान वाहक होता है जो समुद्र में एयरबेस की तरह काम करता है। युद्धपोत का काम समुद्र में किसी भी विमान को उड़ान भरने और विमान को उतारने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की युद्धपोत एक तैरते हुए एयरबेस का काम करती है जहां विमान की तकनीकी कमियों को भी ठीक किया जा सकता है। भारत के पास एक ही युद्धपोत है जिसे भारत ने साल 2014 में रशिया से खरीदा था। तेजस ने इंडियन नेवी की वॉरशिप INS विक्रमादित्य पर पहली बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जो कि अरब सागर में तैनात है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने LCA तेजस मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में कहा है कि SBTF मतलब साउंड बेस्ड टेस्टिना फैसिलिटी पर व्यापक परीक्षण पूरा करने के बाद ADA मतलब एविएशन डेवलपमेंट एजेंसी ने LCA तेजस को विकसित किया था, जिसने 11 जनवरी 2020 को INS विक्रमादित्य पर अरेस्टेड लैंडिंग की। युद्धपोत पर लैंडिंग अरेस्टेड गियर की मदद से किया जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट की गलतियों को कम करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर हम विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य में एक बार में करीब 26 विमान लोड हो सकते हैं और साथ ही इसमें 10 हेलीकॉप्टर भी लोड हो सकते हैं। किसी भी देश के पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। विश्व में केवल 12 ही देशों के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें USA, रशिया, UK, फ्रांस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इटली, स्पेन, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश आते हैं।